शिवाजी महाराज सिंह ऋषि के अवतार हैं। तो राकेश मुरली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। तो आज हम जाएंगे महान सत्य श्री सिंगाजी महाराज की इस पावन नगरी में। चलते दोस्तों, वहां जाकर मिलते हैं। पहले तो जूते चप्पल यहाँ पर स्टैंड पे लगा देते हमारे, फिर जाते हैं हम अंदर। पीने के लिए व्यवस्था चल रही है, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ का। ऊपर तक पानी आ जाता है जब ज्यादा बारिश होती है। इस बार बारिश कम होने से पानी थोड़ा कम है। श्रद्धालु यहाँ पर इधर साइड में स्नान करते जगह जगह। पूरा ये पूरा गोल घेरे से घेरा हुआ है। पूरी लाइन में यहाँ से श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए मिल जाएंगे, इधर आगे तक और इधर पीछे भी। दोस्तों, हम नहा चुके और अब हम नारियल देंगे। इस घावा से हमने अभी ढूंढी है। जय भगवान महादेव सिंह। ये क्या है बताइए कमेंट में। पर आ चुके हैं, चलते हैं आज महाराज के दर्शन करते हैं।
ऐसी मान्यता है कि जिनके यहाँ गाय भैंस हो वो यहाँ पर घी दान भी दे सकते हो, और जिनको अगर घर के लिए दीपक जलाने के लिए घी ले जाना हो तो यहाँ से घी ले भी जा सकते हैं। महाराज की समाधि स्थल 51 फीट नीचे। दोस्तों यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि ये 5 दिन चलता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी आस्था लेकर आते हैं। ड्रम दिख रही है, इसमें पूरा घी मिलेगा, देसी कोला दान भी होता है। प्रसाद यहाँ पर अभी आज पूर्णिमा में तो 24 घंटे प्रसाद यहाँ पर बटेगा। हाँ दादा बताइए आप। गंगा जी महाराज की भैया यहाँ भैंस बैठती थी। अच्छा, यहाँ जब आए थे बाहर से पीर बाबा, हाँ, तो वो परीक्षा लिए उसकी, हाँ, कि बोले हमको यहाँ दूध पीना है। हाँ, अब वो सिंगा जी महाराज के भाई ऐसा तो नहीं है, पर तुमको मैं पिला दूंगा। अच्छा, फिर कुमारी छोड़ तो उसने, हाँ, आप मारा ऐसे पीट के, हाँ, पीट मार के दूध निकाला, फिर उसको पिलाया। हाँ, 5 पीट थे वो। हाँ, तो सो गए यहाँ से जो सेड़ गई है। हाँ, तो एकदम सेड़ घाट पे गई है दूध की सेड़। अच्छा, ये पर्चा है भैया उसका। आज के आशीर्वाद से गाड़ी ली, तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी यहाँ पर लाके महाराज के आशीर्वाद देंगे। ये दादा है जिन्होंने गाड़ी ली। जब सिंगाजी महाराज यहाँ पर बैठ कर अपने लोगों से बात किया करते थे, ये वही जगह है। और यहाँ पर उनकी जो गाय भैंस वो भी यहाँ पर पूरा बताया गया है कि देखिए बैल है उनका, तो उधर साइड में उनकी गैया, पूरी तालाब। गौशाला में पंडित जी से पूछते कुछ यहाँ की बातें। ये यहाँ पर भंडारा भी होता है हर अमावस पूर्णम पर, यहाँ पर पंडित जी बैठे, उनसे हम पूछेंगे कुछ सिंगा जी महाराज की कुछ बातें। यहाँ पर हमको कुछ सिंगा जी महाराज की कुछ बातें हम आपसे जानना चाहते हैं, तो कैसा रहन सहन था सिंगा जी महाराज जी का? गाजी महाराज सिंध ऋषि के अवतार है। अच्छा, सिंधी ऋषि कौन से? जो रामचंद्र जी के यहाँ राजा दशरथ ने पुस्ते पुत्र इष्ट एक करवाया था, हाँ हाँ, उनके अवतार ये हैं। अच्छा, है ना, हाँ, सिंधी ऋषि अवतार, हाँ, इन्होंने खजूरी में जन्म लिखा हुआ। अच्छा, भीमा जी कौडी के, हाँ हाँ, है ना, हाँ, और वहाँ से फिर ये वो तो कथा तो बहुत बड़ी है कि कहने में बहुत समय लगता है। हाँ, खास खास बातें हम आपको बताते हैं। हाँ हाँ, यहाँ भी बहुत, यहाँ भी वहाँ से फिर हरसूद आए। हाँ हाँ, हरसूद से सिंगा जी आए, भैंसे इनके पास 400 भैंस थी। अच्छा, इस भैंस गाय बहुत थी। रामगढ़ में राजा की नौकरी भी करी इन्होंने। हाँ, और फिर यहाँ आकर के इन्होंने
समाधि दीपी समाधि। अच्छा। सबको बुला करके बिठाया। हाँ। और बोले 4 बजे मैं समाधि लूंगा। तो 4 बजे तक भजन चले। हाँ। और भजन करते करते अपने समाधि मस्त होकर के अपने ब्रह्मांड में जीव को चलाने। अच्छा। चले गए है ना। हाँ। तो दीपी समाधि है सिंगाजी में। हाँ। और अभी ये डूब में आ गया था। हाँ। तो दिग्विजय सिंह मंत्री थे। हाँ। तो वो आए बोले कि डूब में आ गया तो 360 गांव डूबे। हाँ हाँ। तो इसको भी डुबाने का था। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर उसका उड़ा ही नहीं। हाँ। उतारा दिग्विजय सिंह। अच्छा ऐसा। हेलीकॉप्टर दिग्विजय सिंह का नहीं उड़ा। हाँ। फिर जा करके उन्होंने दूसरे महात्मा थे गुलाब दास महाराज थे वहाँ पूछा। हाँ। बोले हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है गुलाब महाराज को उससे क्या सोचा तुम। अच्छा। तो बोले मैंने तो कुछ सोचा नहीं। हाँ। तो बोले कि आप जाके मत्था टेको। हाँ। ये स्थान यही रहे। अच्छा। 500 साल से अखंड जोत जल रही है। अच्छा। जिस दिन की समाधि उस दिन की घी की। हाँ। अखंड जोत जलती है। अच्छा। तो वहाँ जाकर कभी दिग्विजय सिंह ने मत्था टेका। हाँ। और बोला कि बिगड़ सुधारे अगर हो गया। हाँ। तो ये समझना पावरफुल जगह है यहाँ। हाँ। तो उसको जा करके मत्था टेका गए बटन दबाए हेलीकॉप्टर उड़ गया। फिर उतारा और 7 करोड़ रुपए सक्षम करके। अच्छा। तो जगह को गोल बंधवा के। हाँ। नीचे मंदिर है पूरी शिव जी की आकृति। हाँ। तो वहाँ अभी मंदिर नीचे पुराना मंदिर है। हाँ। आसपास गोल बना करके मिट्टी डाल के पेंटिंग करके वहाँ की समाधि स्थल। अच्छा। इतना कस्मा उनका समाधि। तो यहाँ पर हमको भोजन भी कराया गया आश्रम के महाराज द्वारा।